भारत की ऐतिहासिक प्रेम कहानियाँ। जी हाँ, आज हमारे वीडियो प्रेम के अध्याय पर ही आधारित है। आइए जानते हैं इसके बारे में, भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध प्रेम कहानियाँ। भारतीय इतिहास में सिर्फ शौर्य गाथाएं ही नहीं, कई प्रेम कहानियां भी हैं जो आज भी बहुत प्रचलित हैं। यहाँ कभी एक वेश्या ने अपने प्रेम के लिए पूरी सल्तनत को चुनौती दी थी, तो कभी एक दासी के रूप के आगे नतमस्तक हो गया राजा। आज हम आपको इतिहास की कुछ ऐसी ही रोचक लेकिन सत्य प्रेम कहानियों के बारे में बता रहे हैं जो आज भी लोगों के दिलों में प्रेम कहानियां जगह कर गई हैं। नंबर वन, पृथ्वीराज और संयुक्ता। पृथ्वीराज चौहान की शौर्य गाथाओं के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन चौहान की प्रेम कहानी भी बेहद निराली है। पृथ्वीराज को अपने दुश्मन कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयुक्ता से प्यार हो गया। जब ये खबर जयचंद को लगी तो उन्होंने गुस्से में संयुक्ता का स्वयंवर रचाया और पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए दरबार के बाहर एक पुतला बनवाया। इस स्वयंवर में कई राजकुमार आए, लेकिन संयुक्ता ने भी सभी को छोड़कर उस पुतले को माला पहना दी। उसी पुतले के पीछे पृथ्वीराज पहले से ही छुपे बैठे थे। भरे दरबार से सबके सामने संयुक्ता को लेकर पृथ्वीराज भाग गए और विवाह कर लिया। नंबर दो, बाज बहादुर और रूपमती। इनकी प्रेम कहानी के बारे में कम ही लोग जानते हैं। मालवा के सुल्तान बाज बहादुर ने शिकार के दौरान रूपमती को देखा और उनको दिल दे बैठे। एक सुल्तान ने एक मामूली सी लड़की को देखा और किसी की परवाह किए बिना उन्हें अपनी बेगम बना लिया। सुल्तान के घर वालों ने भी गैर मुस्लिम रूपमती को नहीं स्वीकारा, लेकिन बाज बहादुर ने किसी की परवाह नहीं की और अपनी मोहब्बत को मंजिल तक ले गए। बाजीराव मस्तानी। इनकी प्रेम कहानी पर तो हाल ही में एक फिल्म भी बन चुकी है। मराठा पेशवा बाजीराव की दूसरी मुस्लिम पत्नी का नाम मस्तानी था। दोनों की प्रेम कहानी सदियों बाद भी लोग नहीं भूले। हालांकि पहली मोहब्बत को पाने के लिए बाजीराव और मस्तानी को बहुत विवादों और मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। मस्तानी बाजीराव से इस कदर मोहब्बत करती थी कि जब बाजीराव की मौत हुई तो उनकी चिता के साथ वो भी सती हो गई। बिंबिसार और आम्रपाली। एक वेश्या से विवाह और वो भी एक राजा, ये कोई आम बात नहीं थी। विरोध की पूरी नहर का सामना करना पड़ा था। मगध के राजा बिंबिसार युद्ध के दौरान घायल हो गए और वेश बदलकर वैशाली पहुंचे। वहां नर्तकी आम्रपाली ने उन्हें आम सैनिक समझकर उनकी सेवा की। बाद में बिंबिसार ने आम्रपाली से विवाह किया। बताया जाता है कि बिंबिसार की 400 रानियां थी, लेकिन आम्रपाली की जगह सबसे खास थी। नंबर पांच, हीर रांझा। फिल्मी गानों से लेकर कहानियों तक मोहब्बत के नगमों में आज भी हीर रांझा का नाम बड़ी शान से लिया जाता है, क्योंकि इनकी प्रेम कहानी है सबसे अलग। इस प्रेम कथा की नायिका हीर एक दौलतमंद खानदान से ताल्लुक रखती थी। वो बहुत खूबसूरत थी और हीर से बेहद प्रेम करती थी। हीर के घर वालों को ये रास नहीं आया और उन्होंने उसकी शादी कर दी, लेकिन शादी के बाद भी दोनों के प्यार को कोई कमी नहीं आई। रांझा हीर के प्यार में फकीर बनकर उसके गाँव में पहुंच गया। इस प्रेम कहानी का अंत भी मौत से हुआ। लैला मजनू। लैला मजनू प्रेम कहानियों का इतिहास सबसे बड़ा है। जी हाँ, जब भी कोई प्रेम कहानी की बात आती है तो लैला मजनू का नाम सबसे ऊपर आता है। लैला मजनू प्रेमियों की इतिहास गाथा में एक ऐसी कहानी के पात्र बन चुके हैं जो आज भी प्यार करने वालों के आदर्श के रूप में गिने जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जो मिल जाए वो मोहब्बत कहाँ। लैला और मजनू की दर्द भरी प्रेम कहानी के बारे में कौन नहीं जानता। इनकी जुदाई ही इनकी मौत का कारण बनी। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार।